हेलो स्टूडेंट्स, अरिहंत पढ़ाकू में आपका स्वागत है। मैं संजय शर्मा। क्लास टेंथ के लिए साइंस और मैथ्स में सीबीएसई ने किस तरीके के चेंजेस कुरिकुलम के अंदर दिए हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। पहले साइंस को देखते हैं। क्लास टेंथ के सिलेबस में एक चैप्टर फिजिक्स से डिलीट किया गया है, दैट इज वर्ल्ड पावर ऑफ अ लेंस। साथ ही अगर हम टॉपिकल लेवल पे बात करें तो दो छोटे छोटे टॉपिक्स फिजिक्स में ऐड भी किए गए हैं, एक इलेक्ट्रिकल मोटर का टॉपिक और दूसरा इलेक्ट्रिकल जनरेटर का टॉपिक। अगर हम क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं, जैसे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं, या एक नई कैटेगरी क्वेश्चन टाइप की डाली है, या हॉट्स को डिलीट कर दिया है। वन बाय वन इन चेंजेस को हम देखते हैं। तो अगर हम डिलीटेड क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में, तो हॉट्स, वीबीक्यूज, पीबीक्यूज यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के जो ऐसे 1 के क्वेश्चंस थे उनको डिलीट कर दिया गया है। एक नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनको क्रिएटिंग नाम दिया गया है। ये आपकी क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स को देखने के लिए वास्तव में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि आपको या तो कोई पैसेज यानी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन में, या फिर आपको कोई सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा। उस सॉल्व क्वेश्चन का आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखना होगा, या अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन का वास्तव में आपको डिफरेंट तरीके से कंपाइलेशन करना होगा। अगर हम पेपर फॉर्मेट की बात करें तो रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चंस जो पहले साइंस में 10 मार्क्स के आते थे, अब 18 मार्क्स के आएंगे, यानी इनकी वेटेज 15% से इंक्रीज होकर 22.5% की हो गई। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जो पहले 24 मार्क्स के आते थे, अब 20 मार्क्स के आएंगे, यानी इनकी वेटेज 35% से डिक्रीज करके 25% की हो गई। अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चंस पहले 18 मार्क्स के आते थे, अब 17 मार्क्स के आएंगे, यानी इनकी वेटेज 26% से डिक्रीज होके 21.25% की हो गई है। एनालाइजिंग और इवेल्युएशन वाले क्वेश्चंस जो पहले 8 मार्क्स के आते थे, अब 16 मार्क्स के आएंगे, यानी दुगने आएंगे, इनकी वेटेज 12% से इंक्रीज करके 20% कर दी गई है। और नई कैटेगरी जो ऐड की गई है, दैट इज क्रिएटिंग टाइप क्वेश्चंस, जो टोटल 9 मार्क्स के आएंगे, जिनकी वेटेज 11.25% होगी। अब इस दूसरी टेबल में जो पेपर पैटर्न है अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। पहला, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 1 नंबर के सवाल आपके होते थे वो पहले सिर्फ 2 आते थे, अब 20 आएंगे। और इसमें भी जो खास बात होगी वो क्या होगी कि 1 वर्ड आंसर के अलावा एसर्शन रीजन और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड होंगे, यानी पीबीक्यूज हटा के ये कैटेगरी नई डेवलप कर दी गई है। ऐसे 1 जो 2 मार्क्स के आते थे अब नहीं आएंगे, ऐसे 2 जिसको अब ऐसे बोला जाएगा यानी शॉर्ट आंसर बोला जाएगा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, अभी भी 10 आएंगे। इसी तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते थे वो पहले भी आते थे और अभी भी उतने ही आएंगे। तो इन टोटल ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके अलावा जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें से प्रैक्टिकल्स के 5 मार्क्स, पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स और आपके पोर्टफोलियो के यानी जो कॉपीज वगैरह इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क, इसके 5 मार्क्स, ये वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की तरह से आएगा। जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात रही वो ये रही कि एक नई कैटेगरी टाइप की फॉर्म में ऐड हुई और एक नए टाइप के सवाल भी ऐड हुए, दैट इज एसर्शन रीजन टाइप, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और बढ़ाएंगे।
अब अगर हम मैथ्स की तरफ चलें क्लास 10th में, तो वहां सिलेबस में कोई चेंज एज सच नहीं है। टॉपिकल लेवल पर सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा पोर्शन वास्तव में डिलीट किया गया है। अगर हम क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक डेवलपमेंट हुआ है। दो टाइप के पेपर्स और उनकी मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने सजेस्ट की है, एक बेसिक टाइप का पेपर, दूसरा स्टैंडर्ड टाइप का पेपर। बेसिक टाइप का पेपर वो स्टूडेंट्स देंगे जो वास्तव में आगे साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबकि स्टैंडर्ड टाइप का पेपर वो स्टूडेंट्स देंगे जो आगे साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि स्टैंडर्ड टाइप का जो पेपर है, उसके भी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। सीबीएसई ने जो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसके वो सेम रखे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं किया है। हॉट्स डिलीट कर दिए हैं, वीबीक्यूज अगर कोई आते थे वो डिलीट कर दिए हैं। जो एक नई कैटेगरी, एक नई टाइपोलॉजी इसमें ऐड की गई है, दैट इज एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग टाइप। इसमें से एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग टाइप पहले भी आता था, क्रिएटिंग टाइप इसमें नया ऐड किया गया है, जिसके अंदर जैसा मैंने बताया कि आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई पैसेज या कोई क्वेश्चन सॉल्व स्टेट में दिया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन या पैसेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको नए तरीके से, नए पैटर्न में जैसा लिखा हुआ है उससे डिफरेंटली लिखना होगा, या जो आपको सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। ये क्रिएटिंग वाली चीजें, यानी एक तरीके से अप्लाइड बना दिया, जिसको कि आप याद करके नहीं जा सकते, जिसको आपने वहीं अटेम्प्ट करना है, राइट? तो ये वाली कैटेगरी ऐड की गई है, और इसकी वेटेज जो एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग वाली है, इसकी वेटेज पहले 4 मार्क्स की थी, अब 18 मार्क्स की हो गई है। दैट मीन्स 5% से बढ़ के वेटेज 22% की हो गई है। अब जैसा मैंने बताया कि सीबीएसई ने बेसिक और स्टैंडर्ड, ये दो टाइप के पेपर दिए। स्टैंडर्ड में मैक्सिमम पोर्शन वैसे ही था जैसे पहले सालों में आता था, लेकिन जो बेसिक टाइप का पेपर दिया है, ये कंपैरेटिवली इजी है और नया इंट्रोड्यूस किया है। इस बेसिक पेपर के क्वेश्चन फॉर्मेट को अगर हम देखें, तो बेसिक में रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस 32 मार्क्स के आएंगे, यानी 40% वेटेज होगी। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस 28 मार्क्स के आएंगे, यानी 35% वेटेज होगी। अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस 12 मार्क्स के आएंगे, यानी 15% वेटेज होगी। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग टाइप के क्वेश्चंस 8 मार्क्स के आएंगे, यानी 10% वेटेज होगी। दैट सिंपली मीन्स के जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, ये पोर्शंस 75% वेटेज रखेंगे इसमें, यानी आपको पास होने में आसानी होगी, ये कंपेरेटिवली सिंपल होगा। अगर हम क्वेश्चन वाइज ब्रेकेज देखें, तो वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू शामिल होंगे, ये 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे वन यानी 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिनकी वेटेज 12 मार्क्स की होगी। ऐसे 2-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसकी वेटेज 24 मार्क्स की होगी। एलए यानी लॉन्ग आंसर टाइप 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनकी वेटेज 24 मार्क्स की होगी। एज सच अगर हम इंटरनल चॉइस की बात करें, तो इंटरनल चॉइस के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि पहले इंटरनल चॉइस लिमिटेड होती थी, लेकिन इस प्रेजेंट कुरिकुलम में सीबीएसई ने ये बोला है कि मिनिमम 33% की इंटरनल चॉइस होगी। दैट मीन्स लगभग आपको हर थर्ड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल सकती है, उस हिसाब से अगर पेपर बनता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइंस और मैथ्स में किस तरीके के चेंजेस क्लास 10th के लिए सीबीएसई कुरिकुलम में हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेशन। थैंक्स।